देश में एक साथ पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के नतीजे आने हैं और इसी वजह से पंजाब में कांग्रेस पार्टी ने एक अलग रणनीति तैयार करने का फैसला लिया है, जहां पार्टी ने यह तय किया है कि जिस दिन चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे उस दिन पार्टी अपने विधायकों को उन राज्यों में भेज देगी जहाँ उनकी पार्टी की सरकार है, जैसे कि राजस्थान और छत्तीसगढ़। इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि पिछले काफ़ी वक्त में पार्टी को अपने कई विधायकों की टूट झेलनी पड़ी है, जिसके चलते पार्टी ने एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पार्टी हाईकमान की ओर से इस पूरे मामले पर नज़र बनाकर रखी जा रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की ओर से खुलकर इस मामले पर कुछ भी कहने से बचा जा रहा है। पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश चौधरी ने ऐसी खबरों को गलत बताया है और हरीश चौधरी ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी पंजाब में दोबारा अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। बता दें कि वोटिंग के दो दिन बाद कांग्रेस की तरफ से अपने सभी बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन इस मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और दिग्गज नेता सुनील जाखड़ ने हिस्सा नहीं लिया था और ऐसा कहा जा रहा है कि पार्टी की ओर से बुलाई गई इस मीटिंग में उन सीटों का अनुमान लगाया गया जो उसके हिस्से में आ सकती हैं। तो अब देखना यह होगा कि पहले जो खेल कांग्रेस और बीजेपी के बीच कई राज्यों में देखने को मिला है, तो क्या उसका एक्शन रीप्ले फिर से देखने को मिल सकता है या फिर कांग्रेस इस बार बीजेपी से कई कदम आगे निकल जाती है।